हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। कभी आपने गुलाब जामुन की सब्जी के बारे में सुना? मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। इसका टेस्ट मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर कभी आपने राजस्थान में मूंग दाल वड़ी, राबोड़ी की सब्जी और बाजरे का सोगरा कॉम्बिनेशन के तौर पे खा लिया, तो इसका टेस्ट आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। राजस्थान की आप हॉस्पिटैलिटी का एग्जांपल देखो। ओल्ड सिटी में मेरी इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने अपने घर में मुझे लंच के लिए इनवाइट किया। धन्यवाद आप लोगों ने इनवाइट किया और खाना भी रेडी कर दिया। समझ लीजिए कि मारवाड़ी भोजन है जो आज हम यहाँ पर खा रहे हैं। थैंक यू। मैं लेता हूँ। प्लीज़ आप बैठिए। एक बार आप ये सब्जियों के बारे में बता देंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये हमारी राबोड़िया की सब्जी है। ये हमारी कच्ची राबोड़िया है जो कि मकई के आटे और झाँस से तैयार की जाती है। हाँ जी। और इसे पकाते समय भी इसमें झाँस का इस्तेमाल किया गया है। हाँ जी। ये हमारी मूंग दाल की बढ़िया है जी। ये हमारी कच्ची बढ़िया जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको हमने गर्म पानी के साथ पकाया है। ये हमारी चने की दाल, मोठ और मूंग दाल की सब्जी है जिसमें हमने लहसुन का बघार देके तैयार किया। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। अब देखो, सबसे पहली बात इस थाली का साइज देखो। बाजरे की रोटी कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी अच्छे ढंग से पकी हुई लग रही है। बड़ा मतलब मज़ा आ रहा है देखकर मेरे को। अगर आपने कभी बाजरे का आटा नहीं देखा तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके वो भी मंगा लिया। ये बाजरे का आटा है हमारे सामने। बड़ियों की सब्जी में जो लहसुन का फ्लेवर और खुशबू है ना, वो मुझे एक फीट के डिस्टेंस से भी बहुत अच्छे ढंग से महसूस हो रहा है। आप देखो जीरा कैसे राबोड़ी पे फ्लोट कर रहा है। छास को इस्तेमाल किया गया जैसे इन्होंने बताया इसको बनाने में। मकई के आटे और छास से राबोड़ी तैयार की जाती है। मैंने ऑब्वियसली कभी सोच भी नहीं सकता था, यहाँ आके तो मज़ा आ गया देखकर। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको खाने का तरीका क्या? ये बता रही हूँ तरीका ऐसे। ये तो थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म होता है। आपने बहुत घी भी डाला इसके ऊपर? देसी घी है इसमें, बहुत देसी घी है। हाँ जी हाँ जी। और सब्जी डालते हैं इसके ऊपर। हाँ जी। फिर बाद में बहुत मजा आ जाता है। बहुत खूबसूरत। हमारे राजस्थानी खाना बहुत स्वादिष्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी हमको इसका चूरा बनाना है? हाँ, इसको चूरा बनाना है, इसमें मजा आता है। सब सब्जियां साथ में डालते हैं हमारे इधर तो, कोई अलग अलग डालते हैं, कोई साथ में डालते हैं। आप बताओ कैसे डालें? अलग अलग डालते हैं? हाँ, अलग अलग डाल के खाते हैं, कोई तीनों साथ में मिक्स कर देते हैं, ऊपर डाल के खा लेते हैं। ठीक है। एक बात तो माननी पड़ेगी, बाजरे की रोटी ऊपर घी, देसी घी, और साथ में इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये गरम हो खाते तो और ही अच्छा लगता। हाँ नहीं, अभी भी गरम ही है ये। सही है, मजा आ रहा है बहुत। और ऐसा मेरे को लग रहा है कि मैं बड़े कुछ एकदम ट्रेडिशनल खाना बोलते हैं ना जिसको। हाँ। बहुत खूबसूरत। अभी यहाँ जोधपुर आई पहली बार है तो हमारे इधर सर्दी में तो गांव वाले लोग तो यही खाते हैं। शहर में तो खाते ही हैं, हम तो खाते ही हैं। एक टाइम कभी कभी एक टाइम खाते हैं, कभी कभी रोज बना लेते हैं। मजा आ गया। बहुत सिंपल फूड, टेस्टी। ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब है। ताकत भी आती है इसे खाने से। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मेरे को तो सच पूछोगे ना, अलग अलग खाने में ज्यादा मजा आ रहा है। ज्यादा वो इसलिए पता नहीं पड़ता कौन सा टेस्ट। हाँ, है। साथ में ला लेंगे ना। हाँ, पता नहीं पड़ेगा। हाँ। अभी इस चीज के अंदर ना लहसुन ने तो कमाल कर दिया, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। हींग भी डालते हैं। हाँ, मैं आपको वही आपको बात अगला बोलने वाला था। हींग और लहसुन ने तो कमाल ही कर दिया है, मजा आ गया इसको। मैंने आपको बताया ना अभी कि एक फीट दूर से भी मेरे को लहसुन का खुशबू आ रही थी। ये तो सब्जी बहुत आसान से बनती है। अति उत्तम। हाँ जी आइए आइए। अच्छा मैंने सुना है कि राजस्थानी खाने में मिर्च ज्यादा रहती है, लेकिन अभी मैंने जो दो चीज खाई है इसमें तो मिर्च बहुत कम है। कम मतलब नॉर्मल है, ज्यादा नहीं है। आप सुनना तो सही है, हमारे घर के लोग कम ही खाते हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं।
रोटी का चूरा बनाने में बहुत सोगरा का चूरा, सॉरी मेरे को बार बार मैं रोटी बोल रहा हूँ, सोगरा का चूरा खाओ। धन्यवाद। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ ना, मेरे को स्वाद इतना ज्यादा आ रहा है, इतना ज्यादा मैं आपको कैसे बताऊं कि अब ये राबोड़ी की सब्जी ना खा के मैं एक ही बात बोलूंगा, सच में आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ दिल से, जिसको कहते हैं ना खाना खाने के बाद आप किसी को बोलो कि मेरा जीवन सफल हो गया तो ये वही बात है, इतना स्वादिष्ट खाना, मजा आ गया, ऐसा लग रहा है मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ, मतलब 100-200 साल पहले चला गया, इतना टेस्ट आ रहा है इस खाने के अंदर। हल्की हल्की खटास, जीरे की महक और राबोड़ी तो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्वाद है। अच्छा, बाजरे का सोगरा आप लोग अपने घरों में कितना रेगुलर खाते हैं? सर्दियों में हम रोज खाते हैं। हाँ जी। और गर्मियों में कभी कभी लेते हैं, क्योंकि इसकी तासीर, मौसम के अनुसार इसकी तासीर गर्म होती है, स्वाद हाँ। भी बदल जाता है, इसलिए गर्मियों में ज्यादा काम नहीं ले सकते। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने हमें यहाँ पर अपने घर में बुलाया खाने के लिए, बहुत ही मुझे ज्यादा स्वादिष्ट लगा और मजा आया, सालों साल तक मैं कभी नहीं भूलूंगा आज का ये लंच, जिंदगी में नहीं भूलूंगा। तो एक चीज बताइए, अगर कोई खाना बहुत पसंद आए तो राजस्थानी में कैसे बोलते हैं? घनो छोको लाग्यो। तो समझ लीजिए मेरी तरफ से घनो छोको लाग्यो, मजा आ गया मुझे, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अति उत्तम। जोधपुर से 8 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचे मंडोर गार्डन, यहाँ पर काफी सारे ट्रैवलर्स आए हुए हैं, इस समय बाबा रामदेव का मेला लगा हुआ है, तो नजदीक के स्टेट से काफी सारे श्रद्धालु इस समय राजस्थान में हैं। दस मिनट का सफर करके आगे हम गणपति भगवान के मंदिर गए, माता टेका। यहां पर इस जगह को, मंडोर को, रावण का ससुराल भी बताया जाता है। यहां पर एक म्यूजियम भी है जो इस समय अंडर रिपेयर है, फिलहाल बंद है। तो अगर आप पूरा गार्डन थॉरली देखना चाहते हो तो 1.5 से 2 घंटे का समय है, 2 से 3 किलोमीटर एरिया में पूरा मंडोर गार्डन फैला हुआ है। कभी आपने मलाई रोटी के बारे में सुना है? मैं इस टाइम खाने भी आ चुका हूँ और अपने सामने मंगा भी ली है। ये जो आप सामने देख रहे हैं सारी क्रीम है, इसके ऊपर इन्होंने गार्निश किया है काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता और ये है केसर, बाकी रोटी की शेप है इसके लिए नाम है इसका मलाई रोटी। अभी मैंने देखा एक बड़े से बर्तन में काफ़ी सारी ऐसी मलाई रोटी पड़ी थी चाशनी में डूबी हुई। वैसे जो मलाई खाते हैं ना उस तरह से टेस्ट नहीं आ रहा, उससे काफी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ऊपर जो इतना मसाला डाला गार्निश किया ना वो टेस्ट को चेंज कर रहा है और टेस्ट को और रिच बना रहा है। इन्होंने इसको मामूली सा ठंडा सर्व किया, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है और थिन थिन ले रहा मलाई की, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बट इट्स नाइस, गुड एक्सपीरियंस और समथिंग डिफरेंट। गोज विदाउट सेइंग कि ऐसे अगर आपने 2 रोटी खा ली तो एक हैवी लंच हो गया, भले फीलिंग होना हो लेकिन हैवी हो गया। वेरी गुड। वो खत्म करने के बाद मैंने अपने लिए एक और चीज मंगाई है जो इनके मैंने देखा बाहर लगा हुआ था बोर्ड पे, इसमें 3 चीज मेरे को बताया गया, फ्रूट क्रीम है, मेवा क्रीम है और रबड़ी है, तीनों को इन्होंने कंबाइन करके एक मिक्सचर तैयार कर दिया। देखने में तो ही लग रहा है कि कितनी रिच होगी खाने के बाद पता लगेगा इन टर्म्स ऑफ हैवीनेस। ये है आपका किशमिश और ये है रबड़ी का लच्छा, 3 चीज़ें
डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट टेस्ट मिक्स करके इंटरेस्टिंग तो मैं जरूर बोलूंगा, समथिंग डिफरेंट समथिंग इंटरेस्टिंग। बादाम किशमिश काजू खुबानी सब कुछ है इसमें। हैवी तो है, अच्छा हो गया मैंने कम क्वांटिटी ली। अगर मैं इसको पूरा भर के ले लेता तो आज का डिनर इसी में हो गया था। कभी आपने नरगिस के कोफ्ते के बारे में सुना है? ये देखो सामने लिखा भी हुआ है, तो मैं बोर्ड देखकर यहाँ पहुंचा। ये आने के बाद मैंने फाइंड आउट किया ये तलते हैं इस तरह से, एक मिक्सर तैयार करते हैं जिसके अंदर आलू रतालू और बीटरूट ये तीनों चीज़ का मिक्सर होता है, थोड़े बहुत मसाले डालकर तलते हैं और ऊपर इन्होंने सर्व किया है चटनी डालकर। आप देखो इसको अंदर से लाल रंग दिख रहा है चकुंदर की वजह से। हम लोग आलू चकुंदर की सेपरेटली तो चाट खाते हैं, लेकिन तीनों चीज़ को मिक्स करके साथ में रतालू, मेरे लिए तो पहली बार का एक्सपीरियंस है। भाई साहब इसका नाम ये नरगिस के कोफ्ते क्यों है? पहले से ही नरगिस के जमाने में पड़ा हुआ नरगिस। कोई मतलब पसंद से खाते थे। अच्छा आपको कितने साल हो गए यहाँ पे लारी लगाते? लारी लगाते लगाते हमारे तो करीब करीब 30 साल इसी जगह पे। 30 years 30 साल। अच्छा चटपटा स्वाद है और ये मिक्सर सही है, अंदर के मसाले भी डिसेंट है। और क्विक स्नैक मेन रोड जलोरी गेट। पांच मिनट का ब्रेक लेके मैंने अपने लिए कुल्फी भी ले ली है। वेरी गुड क्वालिटी रबड़ी। आमतौर पे लारी में इस तरह से आप कुल्फी के अंदर इतना अच्छा टेस्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अंदर बिल्कुल भी आइसी नहीं है, बहुत सॉफ्ट टेस्टी और अच्छे से जमी भी है। रबड़ी क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को। आप जोधपुर आएंगे तो आपको जुत्ती में काफी वैरायटीज देखने को मिलेंगी। इस समय हम सिवांची गेट रोड पर पप्पू मोजड़ी पे आए, काफी फेमस शॉप है। आते सार सबसे पहले मैंने नोटिस किया यहाँ पर काफी सारी फोटोग्राफ सेलिब्रिटीज की लगी हुई हैं। मोस्ट फेमस सचिन तेंदुलकर राइट हेयर और काफी सारी जुत्ती की वैरायटीज हैं। देखते हैं अपने लिए सूटेबल जुत्ती। जुत्ती को राजस्थानी के अंदर मोजड़ी बोलते हैं। इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, जो मर्जी पहन लो धीरे धीरे वो पाँव के हिसाब से शेप ले लेती है। गुड डिजाइंस, कंफर्टेबल है। ये डिजाइन मेरे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है इन सब के अंदर। 650 रुपीज इसका प्राइस है। गुड डिजाइन। इन्होंने बताया कि इनके शॉप के जो टाइमिंग्स हैं शाम को 2 घंटे होते हैं, 7 बजे से लेके 9 बजे तक। ये मुझे पसंद आया फाइनल। जीन्स और कुर्ते पे कुर्ता पजामा पे जब जचेगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आए कि आप जलोरी गेट में शानदार को मिस मत करना, तो ये हम पहुंच गए शानदार पे खाना खाने। आज इतना सारा घी देखकर मेरे को अमृतसर केसर दा ढाबा की याद आ गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि गुलाब जामुन की सब्जी भी हो सकती है। ये घी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो ज़बरदस्त। ये जो आप देख रहे हैं ये है गुलाब जामुन, काजू से गार्निश किया, और ये ग्रेवी एकदम अलग है, ऐसा तो टेक्सचर से ही दिखाई दे रहा है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। गुलाब जामुन को फ्राई करने के बाद चाशनी की जगह इस ग्रेवी में डाल दिया। टू गुड। आप जानते हो गुलाब जामुन की सब्जी के टॉप 2 इंग्रेडिएंट क्या है? हैरान हो जाओगे आप जानकर, दूध और घी, अदर देन गुलाब जामुन। इस तरह का रेसिपी और इस तरह के प्रिपरेशन बहुत ही काबिले तारीफ है। ऑर्डर देते समय मैंने समझा कि ये दोनों प्रिपरेशन में क्या फर्क है, तो मुझे बताया गया दोनों की ग्रेवी सेम है, आपको एक ही डिफरेंस मिलेगा। इसके अंदर आपको गुलाब जामुन की जगह काजू और किशमिश हैवीली लोडेड है। आप देखो कितने सारे हैं ऊपर।
मानना पड़ेगा ग्रेवी भले सेम है लेकिन किशमिश की जो मिठास है वो ग्रेवी के अंदर है। तो अगर आप किशमिश नहीं भी खाओ और थोड़ी सी ग्रेवी ले लो तो आपको हल्की हल्की स्वीटनेस की फीलिंग आएगी, हल्की हल्की ग्रेवी में मिठास। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दूध जब फट जाता है तो उसमें से पनीर निकलता है, हल्का हल्का जो वो दानेदार सी फीलिंग होती है ना वो इस ग्रेवी के अंदर भी है और इस ग्रेवी के अंदर, क्योंकि ग्रेवी सेम है। दूध से बनी हुई प्रिपरेशन जिसके अंदर घी और इस तरह का रिच ड्राई फ्रूट अल्टीमेट, इसको ख़त्म करने के बाद मैं अपने लिए स्वीडिश मंगाऊंगा। यहाँ की मेवा क्रीम भी बहुत फेमस है। जोधपुर फूड एक्सपीरियंसेस ट्रूली लाइफ टाइम है। इतने सारे ड्राई फ्रूट के साथ आप ये क्रीम की थिकनेस देखो, याद आ गया मेरे को नालधेरा में मैंने जो मीठा खाया था जो गुड़ से बना था, जितनी तारीफ मैंने वहां की थी ना उतनी तारीफ इस डिश की है। हैवीली लोडेड विद लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, किशमिश, काजू और ये खुबानी। इस जगह का जो नाम है ना शानदार, उतना ही शानदार यहाँ का खाना है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। आज हमारा जोधपुर ट्रिप का आखिरी दिन है। मेरे साथ इस समय विक्रम जी हैं, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया जोधपुर पूरी जर्नी को प्लान आउट करने में, ट्रैवल डेस्टिनेशंस और फूड डेस्टिनेशंस। एक्चुअली इनका काम ही है फूड टूर करवाना जोधपुर में। इनकी डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये जर्नी हमने बहुत इंजॉय करी, खासतौर पर सब्सक्राइबर्स ने भी हमें कमेंट पर काफ़ी डेस्टिनेशंस बताए थे जो हमें प्लान आउट करने चाहिए। बहुत इंजॉय किया हमने ये ट्रिप। अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जैसलमेर। आप बताइए अपने आपके जोधपुर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस क्या हैं। हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे तरफ से दो संपर्क।